बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है। जिस वर्दीधारी के कंधे पर शराबबंदी के नियम कानून को लागू करने की जिम्मेवारी दी गई है, अगर वही वर्दीधारी शराब पीते नजर आए तो कई सवाल खड़ा होता है। एक मामला प्रकाश में आया है। दरभंगा जिला के केवटी थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केवटी थाना के एक वर्दीधारी जिसका नाम संजय पासवान है, वायरल वीडियो में कुछ लोगों के साथ घर के अंदर सीढ़ी पर बैठकर शराब पार्टी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शराब की बोतल के अलावा चखना भी ग्लास में शराब का पैक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही साथ बैठा दिखाई दे रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस वर्दी में शराब पार्टी का यह वीडियो दरभंगा के केवटी थाना इलाके का है। वहीं पुलिस वर्दी में शराब पार्टी मनाने वाला जवान का नाम संजय पासवान है। वहीं इस पूरे मामले में दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने इस वीडियो वायरल को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही इन्होंने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी भरोसा दिया है। एसएसपी ने साफ शब्दों में कहा कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे सामान्य आदमी हो अथवा पुलिस वर्दीधारी हो। कानून तोड़ने वाले के साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं इस संबंध में दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। है जिसमें चौकीदार के द्वारा सर शराब पार्टी किया जा रहा है, और जिस चौकीदार पर ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में शराब की बिक्री ना हो, उसी के द्वारा ये वीडियो आया है सर, क्या कहना चाहिए? जो अभी आपके माध्यम से हमको सभी सूचना मिला है और उसका जो दोषी चौकीदार है तो उनको आइडेंटिफाई करके सख्ती से कार्रवाई किया जाए। यह एक लेसन है सर क्या, क्योंकि वो वर्दी में रहा है, उसके बावजूद गलत जो गलत किए तो उसको सख्ती से कार्रवाई की जाए। जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है और अन्य जो भी कार्रवाई कानून में करना है तो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ओवरऑल कोई पुलिस वाले को इसके लिए कोई दिशा निर्देश जो इस तरह का काम करें, जो भी है, जो चाहे वर्दीदारी हो चाहे जनता हो, कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून अपने हाथ में लेता है उसको तोड़ता है तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई किया जाएगा।